हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बागी टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट रिदा खान। तो आज बात करते हैं टर्किश ड्रामास की, जो कि अब सारी दुनिया में बहुत ही शौक से देखे जाते हैं। तो हमने आपकी दिलचस्पी के लिए कुछ टॉप 10 ड्रामास को लिस्ट डाउन किया है और उनके कुछ शॉर्ट रिव्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, काला पैसा प्यार, यानी कि ब्लैक मनी लव। टर्किश सीरीज जो कि 2014 से 2015 में लोकल टर्किश चैनल पर ऑन एयर की गई। ड्रामे की कहानी हकीकत पर मबनी वाकयात पर है, जिसमें आपको मिलेगा बहुत सा सस्पेंस, एक्शन और रोमांस। मकबूलियत पाने की एक वजह यह भी है कि इस ड्रामे के मेन रोल्स निभा रहे हैं एंगिन इक्योरिक और तुबा प्योकिस्तान। ड्रामे की कहानी कुछ इस तरह है। एंगिन एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, जिनके मंगेतर का एक पुरेसरार तरीके से कत्ल हो जाता है। एंगिन इस केस की तह तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में वो टकरा जाते हैं ड्रामे के एक और खूबसूरत किरदार यानी तुबा से, जिसके वालिद भी इनडायरेक्टली इसी केस से मुंसलिक हैं। अब ये दोनों किरदार इसी केस पर मिलकर काम करते हैं और जानते हैं इस केस से जुड़े कुछ और पोशीदा राज। सस्पेंस एंड थ्रिलर से भरी ये कहानी शायकीन में बहुत सराही गई। नंबर 9, इंतकाम। इस ड्रामे की मेन इंस्पिरेशन एक मशहूर अमेरिकन टीवी सीरीज रिवेंज से ली गई है और उसी का एक रीमेक वर्जन है। इस ड्रामे के मेन रोल निभा रहे हैं बेरीन साथ, मिर्द फिरात एंड निजात असलर। इस ड्रामे की कहानी कुछ इस तरह है। देरीन एक छोटी सी लड़की अपने वालिद के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है कि अचानक उसके वालिद पर एक गलत कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, जिसके नतीजे में उनको ता उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। उनकी बेटी को उनसे हमेशा के लिए अलग करके एक यतीम खाने भेज दिया जाता है। बड़े होने पर देरीन को केस की असल सच्चाई के बारे में मालूम होता है। अब देरीन की जिंदगी का मकसद अपने बाप के ना करदा जुर्म की साफ करना और उनके दुश्मनों से इंतकाम लेना है। ये ड्रामा अपने अंदर बहुत मजबूत किरदार रखता है, जिसमें आपको मिलेगा बहुत सा थ्रिलर एंड रोमांस। क्या देरीन अपने बाप का इंतकाम ले पाएगी? क्या उनके दुश्मन देरीन की असल हकीकत को जान पाएंगे? ये सब मजीद जानेंगे टीवी सीरीज में। नंबर 8, कौसम सुल्तान। ये ड्रामा तुर्की की तारीख पर मबनी कहानी है, जो कि 2015 में रिलीज किया गया। ड्रामे की मेन रोल में आपको नजर आएंगी बेरीन साथ, जो कि कौसम सुल्तान का ही रोल निभा रहे हैं। तुर्की की तारीख के मुताबिक कौसम सुल्तान एक मशहूर जमाना कामयाब हुक्मरान खातून थीं, जिन्होंने तुर्की के खिलाफत उस्मानिया में एक बेहतरीन सल्तनत को तन्हा कामयाबी से चलाया। ड्रामे की कहानी भी उनकी ज़ाती ज़िंदगी और खिलाफत उस्मानिया की बेहतरीन दौर की अकासी करती नज़र आती है। नंबर 7, मनाहिल और खलील। जुनून की हदों को छूती मोहब्बत की एक मुनफरिद कहानी, इश्क जो अब ममनू ना रहा। ड्रामे के मेन रोल्स निभा रहे हैं किवानिक तकलीतूक और सैदिफ आपसी। इस ड्रामे की कहानी एक मेलो ड्रामा लव स्टोरी पर मबनी है और किवानिक तो यंग जनरेशन के हार्ट थ्रोब हैं ही, इसीलिए भी इस ड्रामे को बेहद पजीराई मिली। नंबर 6, अलिफ। ये ड्रामा दिसंबर 2016 को सी टीवी पर नशर किया गया
और नौजवान तबके में बेहद मकबूल रहा। अलिफ की कहानी एक नौजवान लड़की की कहानी है जो तुर्की के एक छोटे से गांव में बसती है। उसकी दीरीना ख्वाहिश डॉक्टर बनकर दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। अपनी इसी मंजिल को पूरा करने के लिए वो बहुत से मुश्किल हालात का सामना करती है, जिसमें माशरे की मुखालफत, बड़े शहर में रहना और पढ़ना और हिजाब की आज़ादी जैसे बहुत से सोशल इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। खसूसन ये कहानी यंग जनरेशन के लिए मोहब्बत से, मेहनत से अपनी मंजिल हासिल करना एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रखती है। नंबर 5, मेरा सुल्तान। ये ड्रामा 2014 में रिलीज हुआ और पाकिस्तानी ड्रामा जियो कहानी पर नशर किया गया। पूरी दुनिया में ही बहुत मकबूलियत रही और पाकिस्तानी ऑडियंस ने भी इसे बेहद सराहा। इस ड्रामे की कहानी तुर्की की तारीख और सकाफत पर मबनी है, जिसमें खिलाफत उस्मानिया के अजीम ताकतवर हुक्मरान किंग सुलेमान के दौरे हुकूमत को बहुत ही खूबसूरती से पेश किया गया है। इस ड्रामे के मेन लीड निभा रहे हैं खालिद अर्गिन्स, जिन्होंने बेहद उम्दगी से किंग सुलेमान का रोल निभाया। नंबर 4, फातिमा गुल। ये ड्रामा 2013 में रिलीज हुआ और पूरी दुनिया में देखा गया और पाकिस्तानी शायकीन ने भी इसको देखा, और इसके सोशल इश्यूज की वजह से ये उस साल का टॉप रेटिंग ड्रामा रहा। ड्रामे की कहानी अपने अंदर कुछ सोशल इश्यूज, ह्यूमन राइट्स और उसके साथ साथ एक खूबसूरत लव स्टोरी रखती है। ड्रामे के मेन लीड्स निभा रहे हैं एंगिन इक्यूरिक और बेरीन साथ। फातिमा गुल की कहानी में फातिमा गुल एक शरीफ सादा तिब लड़की है जो चंद नौजवानों की गलती से ज्यादती का शिकार बना दी जाती है, जो उसकी आने वाली सारी जिंदगी का काया पलट देती है। क्या फातिमा गुल ले पाएगी अपने दुश्मनों से इंतकाम? क्या माशरा फातिमा गुल को उसका जायज इंसाफ दे पाएगा? ये सब मजीद जानेंगे हम टीवी सीरीज में। नंबर 3, फरीहा। ये ड्रामा 2012 में रिलीज हुआ और Urdu 1 पे नशर किया गया। इस ड्रामे के मेन लीड्स निभा रहे हैं हेजल काया और कैगाते उलू से। ये ड्रामा कहानी अकासी करती है अपर क्लास और मिडिल क्लास के तबकाती फर्क को। फरीहा और आमिर की प्यार भरी कहानी भी इस तबकाती फर्क में बटी हुई है। क्या उनके घर वाले उनके जज्बात को समझ जाएंगे? क्या माशरा इस तबकाती फर्क को कबूल कर पाएगा? और भी बहुत सी चीजें आप जान पाएंगे टीवी सीरीज को देखने के बाद। नंबर 2, इश्के ममनू। ये ड्रामा 2010 में रिलीज हुआ और Urdu 1 पे नशर किया गया। इस ड्रामे की कहानी टर्किश नॉब बेस्ट सेलिंग नॉवल इश्के ममनू से एडाप्ट किया गया है, जो कि लेट 19th सेंचुरी में खालिद जिया ने लिखा था। इस ड्रामे के मेन लीड्स में आप देख सकेंगे किवानिक ततलीतू को और बेरीन साथ को एक साथ। ड्रामे की कहानी बहुत से इंसानी जज्बात की अकासी करती नजर आती है, जहाँ किरदार एक दूसरे के लिए मोहब्बत और नफरत और उसके साथ साथ जलन और हसद महसूस करते हुए नजर आएंगे और उनका आपस में बरमला इजहार भी करते हैं। बहुत सारे जज्बात से गुंदी हुई ये कहानी शायकीन ने बहुत पसीराई हासिल की। नंबर 1, प्यार लफ्जों में कहा।
2017 में रिलीज होने वाला ये ड्रामा उर्दू वन पे नशर किया गया, जिसे दुनिया भर के शायकीन ने मकबूलियत हासिल हुई और गुज़श्ता साल का सबसे टॉप रेटिंग्स में रही। इस ड्रामे के मेन रोल्स में आप देख सकेंगे बुराक दिनीस और हांदे आर्सल को एक साथ। ड्रामे की कहानी इस्तांबुल की एक बहुत बड़ी फैशन इंडस्ट्री और ऑफिस रोमांस पर मबनी है। इस ड्रामे के मेन किरदार भी एक गलत फहमी के बायस एक दूसरे से टकराते हैं, जिनसे उन्हें करीब आने और एक दूसरे को मजीद जानने का मौका मिलता है। दोनों ही किरदार मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, इसके बावजूद वो एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। क्या होगा उनकी मोहब्बत का अंजाम? क्या वो मोहब्बत और प्रोफेशन दोनों को एक साथ कैरी कर पाएंगे? ये सब मजीद जानेंगे आप टीवी सीरीज देखने के बाद। तो ये थी अब तक की टॉप 10 रेटिंग्स के ड्रामा लिस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अपने कमेंट से राय का इजहार करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप इसी तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो अपडेट आपको नोटिफिकेशंस की सूरत में आसानी से मिल सके। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।